देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है के गहराइयों से हम मोहतरम गुलाम दस्तगीर खान साहब का यहाँ पे वेलकम करते हैं जी। हमारी पार्टी के बुजुर्गों में इनका शुमार होता है और हम दिल की गहराइयों से इनकी कदर करते हैं, इनकी वफा की कदर करते हैं, इनकी अपना ये मुझसे भी ज़्यादा बड़े और मुझसे भी ज़्यादा बड़े भी और पुराने मुस्लिम लीगी हैं और इन्होंने कभी अपनी पार्टी तब्दील नहीं की, हमेशा मुस्लिम लीग में रहे, कभी पार्टी ना बदली ना कभी किसी और पार्टी में कभी जाने का सोचा। और माशाल्लाह हम जो आज आपको नज़र आते हैं, इन्होंने हमारी तरबियत भी की और ट्रेनिंग भी की। मियाँ साहब और आपके ख़ानदान को मैं सलाम करता हूँ। लोग कहते हैं कि ख़ानदानी विरासत है, विरासत नहीं है। आपकी बेगम ने उस वक्त जमहूरियत उठाई थी जब कोई शख्स उठने के लिए तैयार नहीं था। मुशर्रफ साहब ने इस कदर तंग किया हुआ था और मुझे याद है कि उस बीबी ने किस तरह इस जमहूरियत को फैलाया और बाहर निकली। एक औरत घरेलू औरत थी, कभी वो सियासत नहीं करती थी, कभी वो बाहर नहीं आती थी, लेकिन उस वक्त उनको निकलना पड़ा और उसने अपनी जमहूरियत का एक ऐसा झंडा गाड़ा कि जिसकी वजह से इस मुल्क में फिर जमहूरियत बाहर हुई। और आपकी कुर्बानियों का तो जिक्र कर ही सकता, ना शहबाज साहब का, ना हमजा का, ना मरियम बीबी का। मरियम बीबी ने उस वक्त काम किया जब कोई नहीं निकलता था और उन्होंने आवाम को कि ना ऐसा निकाला बाहर। उस वक्त इनके हर जलसे में लोग आए और बड़े बड़े कि ना बड़ी बड़ी भरपूर जलसे हुए इनके, और अगर ये ना निकलती तो शायद हमें कोई पूछता भी ना, सच्ची बात है। और आपकी अदम मौजूदगी में इस बीवी ने, इस लड़की ने इतना काम किया कि मैं बता नहीं सकता। और वो बात ही नहीं भूल सकते अब, जब इनको गिरफ्तार किया गया, जब वहाँ पर रखा गया आपके सामने, जब इनकी वालदा पहुँची, जब आपने जिक्र किया, सच्ची बात है कि ऐसी बातें हैं मियाँ साहब जो मैं कहना कोई दुनिया का आदमी बड़े से बड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस नाम रहेगा अल्लाह का,